Hi guys! Welcome to our channel. B3 is a crowd, and today we're going to talk about my journey and my experience with KVPY. And on this channel, we do challenges and we talk about studies, we talk about music, and we talk about a whole lot of other fun stuff. More videos on mommy coming up. But yeah, so he's my mama and he's my mommy, and I am the niece. You are the niece. If you watch any of our videos, then please subscribe to us. Okay, now coming back to KVPY. Yeah. What is the full form of KVPY? पहले तो ये बता दो. Okay, so KVPY is किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना. लेकिन इसको I guess जितने भी लोगों को मैंने बताया KYPY, KPPY, मामा KVPY करना क्यों है? मतलब what are the benefits for it? ओके सो सबसे पहला बेनिफिट है कि आपके कॉन्सेप्ट चेक हो रहे हैं कि आपको कितना एक्चुअली में आता है. इफ़ यू आर नॉट रियली प्रिपेयरिंग फॉर KVPY तो यू कैन गिव इट एज अ मॉक फॉर JEE या नीट. प्रेशर फील होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं एग्जाम सेंटर में जाके, वो फील होता है इट्स अ नेशनल लेवल एग्जाम. इफ़ यू लाइक क्लियर KVPY यू एंड विद अ गुड रैंक लाइक अंडर 500-600 यू गेट इन टू लाइक रियली गुड कॉलेजेस, आईसर्स. एंड इफ़ यू हैव मैथ्स देन यू कैन गेट इन टू IISc ऑल्सो. बट IISc टेक्स लाइक जस्ट द टॉप 30, 50, 100 ऐसे. थर्डली यू गेट एक्सेस टू ऑल द नेशनल लाइब्रेरीज. That's a big perk. Yeah. And also you get to attend these summer science camps. It's a great way to interact with the intellectuals. Such a wide range of people who are like brilliant minds. And Rokra? The Rokra is like 5,000 rupees per month aapko milta hai, and 20,000 rupees aapko annually milta hai for traveling to summer workshops. And lot of respect. या आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह भी बहुत मिलती है. मतलब इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड फॉर एडमिशन्स एंड ऑल तो दे रियली केटर दिस फैक्ट इन दैट यू आर अ KVPY स्कॉलर. सो इट्स लाइक अ बैच. मैंने 2019 में क्लियर किया था और 11th में मैंने नहीं दिया था क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरा होगा. 12th में दिया था, उसमें कट ऑफ 55 गई थी. सो यू डिडंट प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम एट ऑल. लाइक सो बेसिकली जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे होते हैं ना, उनके लिए KVPY का बिकॉज द सिलेबस इज सेम, अलग से कोई प्रिपरेशन एज सच कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं करवाती. एंड आप खुद ही आपको पता है कि आपको मतलब वही सिलेबस है तो आप क्या एक्स्ट्रा पढ़ोगे. KVPY में होता क्या है कि आपको मोर इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स आते हैं. और ये मुझे मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो KVPY का वो भी नहीं पता था कि क्या पैटर्न है. अच्छा पहले राउंड में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और कितने घंटे का पेपर होता है, ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता था. मैं जब बैठ के उधर एग्जाम हॉल में बैठ के मैं अपना वो एडमिट कार्ड पर देख रही थी, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे थे, उसमें मैंने पढ़ा है. थोड़ा इन डेप्थ पढ़ रहे हो अगर तुम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, और नहीं भी जाते तो तुम अगर नीट के लिए हो तो JEE मेंस का थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री लगा लोगे तो हो जाएगा. बायो तो इस बार तो NCERT से आई थी. व्हाट वाज योर रिएक्शन आफ्टर यू क्लियर्ड इट? बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी. तो मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि इन इन लोगों का हो गया. आई वाज लाइक ओह दैट्स ग्रेट. मतलब आई डिड नॉट चेक माइन ऑब्वियसली, मेरे को लगा मेरा तो होगा नहीं. बट फ्रेंड का फ़ोन आया. रिति फ्रेंड से ज़्यादा बात नहीं. मैंने रात को बस अपना नाम ऐसे ही टाइप किया और वो एक्चुअली में हो गया. ऐसा पागली हो गया, ये पता नहीं क्या हो गया. बहुत ज़्यादा खुशी और बट नर्वसनेस एकदम से, लाइक खुशी 15-20 मिनट की थी, उसके बाद सिर्फ नर्वसनेस इस बात की थी ओ नो इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, अब तो हालत खराब होने वाली है. आफ्टर यू क्लियर योर एग्जाम यू हैड टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू. So can you just tell us a little bit about that? Did you do something to prepare for it? I have never given an interview in my life. So yeah, this was one of my first ones. They want to see your personality and how well you answer, but they really really want to check your aptitude. So main kya karti thi, in my free time I used to go on Quora. I still do because it's like kitne acche acche questions hote hain. I used to go to on Quora and search for KVPY interview stories. Era karke hai kya unhone, matlab wo 2015 mein AR1 thi to उन इतने टॉप लोगों ने ना अपने इंटरव्यू शेयर कर रखे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर कर रखे हैं, क्या क्या हुआ, अपनी पूरी फीलिंग. थोड़े ऊपर लेवल के क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए थे लाइक JEE मेंस टाइप के. JEE मेंस से थोड़ा सा ऊपर में भी, स्पेशली इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में भी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू कर दिया था. मैंने अपने आकाश में भी अपने टीचर्स को लाइक एक्स्ट्रा थोड़ा, सर ये भी बता दो, कोई बात नहीं आउट ऑफ सिलेबस है बट बता दो, क्या पता काम आ जाए. आपका इंटरव्यू पे एक्सपीरियंस क्या था? हाँ मतलब आप ही दोनों गए थे मेरे साथ और
तो बेसिकली मेरे को कैंपस वाज रियली गुड हमारा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जस्ट अमेजिंग देयर वाज लाइक अ लेक एंड देयर वाज लाइक ह्यूज ग्रीन फील्ड्स तो मूवी देख रहे थे लेक के सामने बैठ के ये बस मुझे नर्वसनेस थी कि व्हाट इफ आई नो द आंसर एंड आई कांट टेल देम बिकॉज आई एम नर्वस तो मुझे मामी यही बोल रही थी कि डोंट सो शी टेक्स लाइक इंटरव्यूज एंड ऑल तो मुझे यही बोल रही थी कि डोंट पुट देम ऑन अ पेडेस्टल मतलब कि तुम अगर ये सोचोगे ना वो महान है वो तो सबसे अच्छे हैं जो इंटरव्यूअर्स हैं तो तुम यू आर बाउंड टू मेस इट अप सो आई वेंट इन एंड वो इतना छोटा सा रूम था और उसमें 8 प्रोफेसर्स बैठे थे और वो इतने इंटिमिडेटिंग घुसते ही मुझे समझ में आ गया व्हाट डू यू लाइक व्हाट सब्जेक्ट्स डू यू प्रेफर एंड दे वर रीडिंग माय लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस एंड जो टीचर रिकमेंडेशन फॉर्म ये सब एक प्रोफेसर ने मुझसे पूछा आपके सब्जेक्ट्स क्या है तो मैंने कहा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड द प्रोफेसर शी गॉट सो हैप्पी शी इज लाइक फाइनली आपको पता है 4 दिन से 3 दिन से वहाँ पे इंटरव्यूज हो रहे थे एंड आई वाज द लास्ट इंटरव्यू ऑफ द लास्ट डे एंड देयर वाज नोबडी इन बायोलॉजी इन हर कमिटी उन्होंने सोचा होगा जितने क्वेश्चंस मैं सोच के आई ना सारे इसी को पूछ लूंगी और उन्होंने ओह माय गॉड उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू किए थोड़े थोड़े उन्होंने सबसे पहले इजी पूछा बोर्ड था सामने इतना छोटा सा रूम और उस छोटे से रूम में 8 प्रोफेसर्स और एक अब मुझे ये तो पता है कि मैं पहली बार की स्टूडेंट हूँ तो मेरे साथ होने वाला है कुछ और फिर इतनी बड़ी टेबल पे खाना ही खाना लाइक कम से कम 50 फूड आइटम्स रखे होंगे पूरा खाना भरा हुआ था और उतने से रूम में एनीवेज तो उन्होंने मुझे बोला कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ DNA तो DNA का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया फिर उन्होंने पूछा कि ओके अगर हमें इतनी अमीनो एसिड्स का कोड करना है तो हमको कितने बेस पेयर्स चाहिए होंगे ये सब करके उन्होंने मुझसे धीरे धीरे पूछना शुरू किया ऑब्वियसली मुझे पता था कि वो जेनेटिक्स अगर आप कोरा पे कहीं पे भी देखोगे तो वो जेनेटिक्स के बारे में चाहे बोलो ना बोलो बायो के स्टूडेंट हो तो पूछेंगे ही पूछेंगे जेनेटिक्स तो मैं जेनेटिक्स अच्छे से करके गई थी तो मैंने उसके सारे आंसर्स कर दिए बट मुझे याद है एंड में मैं कंफ्यूज हो गई थी वहाँ पे क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ BSc रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लिया था मतलब जो अभी तक हमने सुना भी नहीं है किसी टेक्निक के बारे में फिर एक जगह तो मैंने कुछ गलत आंसर बता दिया था मुझे याद है उन्होंने मुझे पूछा था स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया क्या है और उसका साइज क्या है तो मैंने बोल दिया कि मैं माइकोप्लाज्मा पर तो मुझे भी पता क्या होता है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होता है सबसे छोटा You're under arrest. NCERT में लिखा था लेकिन मुझे याद नहीं था तो मैंने बोल दिया मैम सॉरी आई डोंट रिमेंबर धीरे धीरे शी वेंट लाइक उन्होंने काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछना शुरू किए जैसे कि एक बार बताओ बर्ड्स नीड एनर्जी फॉर फ्लाइंग मैंने कहा यस मैम दे नीड मोर एनर्जी देन अस मैंने कहा यस मैम इक्वल टू और मोर बिकॉज दे वार्म ब्लडेड ऐसे करके तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि सो वाई आर देयर रेड ब्लड सेल न्यूक्लिएटेड मैं काफ़ी सोच रही थी मैंने ऑल दो बट ये बहुत बड़ी टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना तो आप अपना चाहे आपको आंसर ना आए अपना पूरा थॉट प्रोसेस बताओ उन्हें लाइक डोंट जस्ट स्टैंड देयर एंड बी लाइक और फिर उसके बाद केमिस्ट्री का था ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्यार है मेरा दैट शोस हाउ लोनली यू आर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन्होंने मुझसे पूछा SN2 और SN1 में डिफरेंस बताओ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में और पोलर प्रोटिक में डिफरेंस बताओ ऐसे करते करते धीरे धीरे उन्होंने मुझे कुछ कन्वर्जन्स दिए तो वो कन्वर्जन्स कुछ कुछ एंड तक बहुत कॉम्प्लिकेट हो गए थे क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला था बेसिकली आपको एक ऐसा टॉपिक ना अच्छे से पढ़ के जाओ जो आप उन्हें बोल सको कि अगर आपको नहीं भी आ रहे ना कि सर प्लीज आस्क मी अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस आल्सो आई वुड लाइक टू ऐड समटाइम्स व्हेन यू आर इंटरव्यूइंग समवन यू माइट ऑलरेडी नो दैट द पर्सन विल नॉट नो द आंसर बट यू जस्ट वांट टू नो हाउ दैट पर्सन थिंक्स या एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दे वांट टू गेट इनसाइड योर ब्रेन आई नेवर शट अप लाइक वाओ दैट्स अ जेन्युइनली शॉकिंग फैक्ट अनलेस एंड अनटिल दे वर स्पीकिंग there wasn't silence in the room. फिर physics में उन्होंने मुझसे एक question पूछा था बस कि something related to ray optics. Obviously मुझे पता था वो ray optics ही पूछेंगे क्योंकि ray optics बहुत उनका favorite topic होता है 2-3 chapters wave optics, ray optics, modern physics ये सब थोड़ा पढ़ के गई थी NCERT से तो उन्होंने NCERT से ही एक question पूछा था जो generally हमें class में नहीं पढ़ाते तो वो मैंने आंसर कर दिया था डीमोटिवेट यू और समथिंग बायो वाली मैम थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग थी बट नॉट डीमोटिवेटिंग मैम भी यही चाह रही थी कि दैट आई गेट टू द आंसर बिकॉज शी वाज हेल्पिंग मी अ लिटिल बिट चलो छोड़ो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप ऐसा नहीं था डिड यू गेट नर्वस व्हाइल आंसरिंग दोस क्वेश्चंस व्हिच यू डिडंट नो तो उन्होंने 5th-6th ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था वो मुझसे नहीं आया था बीच में तो वो पूरा फ्लो खराब हो गया था मेरे को थोड़ा बहुत लग ही रहा था कि वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि अगर मैंने गलत आंसर दिया बट वही मुझे उस टाइम याद आया ठीक है दे रियली डोंट केयर अबाउट मी वंस आई लीव सो वो सोचेंगे Nobody cares about you. You were able to clear that interview.
What was your rank? I got 997 and I did not prepare for it. So I was like, I would be one of those people jinka nahi hi hoga bahar aake, kyunki mujhse like jo mere se pehle bachche bahar aa rahe the and wo discuss kar rahe the and I was like, oh my god, inka itna acha, itne confidently inhone bataya ye sab. So mujhe to lag raha tha mera hoga hi nahi, but haan matlab ho gaya. So if you have any more questions, you can just write it in the comment section and yeah, we can make more videos on KVWell if you guys want it. And we also have another piece of news. Vidika birthday aa raha hai 10th August ko, and this is her 18th birthday jo lockdown mein manega. We want it to be special for her. Never thought yeah. this would happen. Agar ye lockdown nahi hota to hum pata nahi kitna kuch Vidhi ko gift karte. Acha, itna bhi kuch nahi aaj tak zindagi mein koi gift nahi diya hai. Paise bachana to bahut zaruri hai. To is saal aap ghar pe baithna, maybe you can spend time with your books. Oh no, Kelvin. Aapke paas koi bhi like random fun ideas hain on how I should like celebrate my birthday, we will like make like a birthday vlog. So you could like send in your ideas and we'll like pick the top 5, just shoot it down in the comment section and we'll do it on our birthday.